जैसा कि आप जानते हैं शहर श्रीनगर में अभी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्मार्ट सिटी के सीईओ और एस कमिश्नर अतर खान साहब आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट श्रीनगर में चल रहे हैं और आपने एक पब्लिक अपील भी की है जिसमें आपने लोगों से कहा कि वो अपने जो कि प्रेमिसज़ हैं उनको सजाएँ किस तरीके से लोगों को अपने प्रेमिसज सजाने हैं और एस का उसमें क्या रोल रहेगा Uh, एक तो ब्रॉड क्योंकि श्रीनगर शहर हमारा इट्स अ टूरिस्ट सिटी वी आर नोन फॉर द काइंड ऑफ ब्यूटी द सिटी हैज़ सो अब सिटी को और जो इम्प्रूव किया जा रहा है चाहे वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हों या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों तो इसी सिलसिले में और हमारे यहाँ पे श्रीनगर विल ऑल्सो भी होस्टिंग जी ट्वेंटी मीट इन मे सो so, uh, इसी सिलसिले में ये सब लोगों से भी गुजारिश की है कि हमारे जहाँ जितने भी रोड्स हैं जितने भी जगह हैं वहाँ चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हों उनकी जो है एक तो डिफेसमेंट नहीं हो अक्सर जगहों पे हमारे जो वॉल्स हैं विच आर टूव दी uh, रोड्स उन पर कुछ एडवर्टीजमेंट चीज़ें चिपकाई हुई हैं कहीं बैनर चिपकाए हुए हैं कहीं कुछ और लिख दिया है दैट शुड नॉट बी डन नंबर वन नंबर सेकेंड जिसका जहाँ पर भी अगर खुद की आपकी वॉल है विच इज़ टूवर्ड्स अ रोड या आपका घर का जो फसाड है उसको थोड़ा सा अच्छा से कलर किया जाए अच्छा सा किया जाए गंदगी होती है बाहर पत्थर कहीं पड़े होते हैं वो सब रिमूव किए जाएं ब्रॉड नीटनेस ब्रॉड क्लिनिनेस वो किया जाए तो शहर और जाजब नज़र बन जाता है ये सब लोगों की जिम्मेदारी होती है शहर में कोई भी चीज़ हो सफाई के हवाले से चीज़ हो या बाकी शहर शहर को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाने की बात हो इट्स ए जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी होती है और गवर्नमेंट की भी होती है तो वही है कि साथ मिल हम लोग शहर को बेहतर बनाएं उसी के सिलसिले में अपील जी ट्वेंटी समिट अब मे में होने वाला है तो इसमें आपने बताया है कि ये जो प्रेमिसज है ब्यूटिफाई करें लेकिन आपने रूट्स नहीं बताया है कि पर्टिकुलरली किन रूट्स को ब्यूटिफाई करना चाहिए अपने एरियाज़ को अपने को नहीं इसमें रूट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि शहर तो शहर है शहर तो पूरा कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो कहीं भी शहर में घूम सकता है कहीं भी जा सकता है तो इन जनरल हमने कहा है कि जितने भी सारे जो रोड road, रोड्स होते हैं हमारे जहाँ से हमारे गेस्ट आते हैं हम सब लोग चलते हैं वो सब चीज़ वो एरियाज़ को जो है ब्यूटिफाई किया जाए वहाँ थोड़ी सी जो है स्प्रूसिंग अप की जाए तो ट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर रूट्स कि हमारा एयरपोर्ट रोड है सिर्फ एयरपोर्ट रोड ही सही दिखे हमारे शहर में ओल्ड सिटी में शहर ख़ास में हमारे रोड्स हैं हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में हमारे जो जगह हैं वो भी जाज्बे नज़र हों इन जनरल लोगों से यही रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ जो अपने आपके खुद के जो घरों के या आपके प्रॉपर्टीज़ के जो वॉल्स हैं उनके जो उनको थोड़ा सा पेंट किया जाए कलर किया जाए जहाँ आपको लग सक कहीं पे आप फूल पौधे लगा सकते हैं वो किया जाए कहीं गंदगी कोई पड़ी है या चाहे अगर हमारी ज़रूरत है उस

बहुत हो रहा है Uh, सबसे पहले मुझे लगता है हमारे जो पूरे कामों में जितना सहयोग जितना कॉपरेशन uh, और सपोर्ट हमें शॉपकीपर से मिल रहा है दैट इज़ रियली इमेंस पोलो व्यू मार्केट है जैसे आपने बात की इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट इस समय हम लोग फाइनल टचेज दे रहे हैं वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अनदर फाइव टेन डेज़ में वी शुड बी एबल टू क्लोज द प्रोजेक्ट उसमें uh, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरग्राउंड होना था दैट ऑलरेडी हैज़ बीन डन हम पुराने पोल इस समय वहाँ से हटा रहे हैं hmm. प्लस कुछ जो एंट्रीज़ हैं एंट्रीज़ है, एंट्रीज में कुछ हमें बोलर लाइन्स वगैरह लगा ज डन राइट नाउन फोर फाइव डेज में भी हम लोगों ने फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं उसमें भी जो हमें जो दोनों साइड से कर्ब लाइन डन फुटपाथ का मेजर काम हो गया है अब हम ब्लैक टॉपिंग इज द नेक्स्ट स्टेज हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अगले कुछ चार पांच दिनों से हम एम ए रोड पर ब्लैक टॉप का काम भी शुरू करेंगे सेम जो रेजिडेंसी रोड है क्योंकि रेजिडेंसी रोड एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है उसमें अंडरग्राउंड डक्टिंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो उस पर भी काम जारी जारी है लाल चौक में चाहे घंटा हो या जो लाल चौक का प्रसिंत है उस पर भी काम इट इज इट इज़ इट इज़ गोइंग ऑन रिवर फ्रंट में अगेन रिवर फ्रंट पर कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर है वो और जो जीरो ब्रिज और पोलो जो ओल्ड और अब्दुल्ला ब्रिज के बीच का स्ट्रेच है वो हम लोग थर्टियथ ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट करें वेयर ब्रॉडली इन दैट टाइम ब्रिज जब ये होता है कई बार पाँच आठ दिन आप आगे पीछे चलते हैं दो इन सभी प्रोजेक्ट्स की जो एक्चुअल टाइमलाइंस लाइन्स हैं वो काफ़ी किसी जी। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 2024 तक भी है बिच इज़ वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन लाइन इज़ बेस्ड ऑन द बी बिल ऑफ क्वान्टिटीज कितना काम करना होता है तो उसके हिसाब से सो वेन वी लुक वैन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल टाइम लाइन्स नन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स हैज़ गॉन क्रॉस द टाइम लाइन इट वी आर विद इन द टाइम ये सारी टाइम जो स्क्वीज टाइम लाइन्स जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या ऑनरेबल एल साहब ने भी दे आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर दैट वी शुड कम टरी साहब ने कहा था कि अप्रैल तक ये सारे प्रोजेक्ट जो है मार्क माई वर्ड से कम्प्लीट होंगे तो आपको क्या लगता नहीं, है he, he uh, सारे uh, so तब से बोल रहे हैं uh, कि जी ट्वेंटी के हिसाब से फॉर uh, एग्जाम्पल uh, हमारा पोलो व्यू है uh, हमारा एम रोड है इसी तरीके से जो रिवर फ्रंट का हमारा जो कॉन्वेंट रोड है या जो हमारा लेफ्ट बैंक है रिवर का या हमारा जो आ, आ, दिस आ, गुपकार जंक्शन है इस इस तरीके से हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इल्यूमिनेशन का हमने लगभग पंद्रह बिल्डिंग्स का इल्यूमिनेशन का इसमें रखा था दैट वी विल फिनिश दम इन अप्रैल एंड वी आर फिनिशिंग दम इन अप्रैल सर लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे घंटाघर जो है उसका भी रेनोवेशन चल रहा है तो कब तक वो कम्प्लीट होगा क्योंकि वहाँ पर जो खुदाई वगैरह हुई है तो उससे ट्रैफिक मेज भी काफ़ी हो रहा है और डस्ट बहुत है उस तरफ से जिससे

को वो था, दे, देम हम भी इसको डेली डे नाइट में से से जाए अब लाल चौक में भी जब भी जाएंगे तो अब काम अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वहाँ काबल स्टोन लगाना है तो एक एक छोटा तीन बाई तीन या चार बाई चार इंच काबल होता है जो बाय एक एक को उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है द्यूरी स्टोन लगाना होता है दिवरी का जो पत्थर लगाना होता है वो भी एक एक करके मेसन को और कारीगर को लगाना पड़ता है बाद हमें कुछ ग्रेनाइट उसमें फ्लोर पर ग्रेनाइट फ्लोरिंग करनी है दैट्स अगेन जो हैंड से जो मशीन से नहीं हो सकता मशीन से जो काम हमें करना था चौक में तैयार करना था वाई इट टेक्स लिटल टाइम बाकी शॉपकीपर्स के साथ भी हम लोग यही इसी तरीके से कर रहे हैं कि उनको भी मिनिमल जो असुविधा हो ट्रैफिक भी हमने अगर आप देखेंगे मेन चौक प्रसिद्ध में पहले हमने लेफ्ट साइड पोर्शन कंप्लीट किया उसकी सीमेंट कॉन्क्रीटिंग कंप्लीट कर फिर वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया फिर हमने राइट साइड वाला पोर्शन लिया अब हम राइट साइड पहले कंप्लीट करेंगे वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा फिर हम लोग जो लेफ्ट साइड में प्लाजा पे अच्छा, आखिरी सवा, आखिरी सवाल सवाल शॉपकीपर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी पर्टिकुलरली जो लाल चौक घंटागर के पास शॉपकीपर्स हैं क्योंकि वो बेहद नाराज नहीं वो हम हमारे साथ ही होते हैं इनफैक्ट हम लोग कंटिन्यूसली जो भी उनकी एसोसिएशन है जिनका जो भी कोई ग्रीवान्स होता है सजेशन इनफैक्ट उनकी तो दे आर टेकिंग फार मोर एक्टिव इंटरेस्ट इन एवरी अगर आप जो इसी लाल चौक में जब हम द्यूरी ले कर रहे हैं पिछले तीन दिन से चार दिन से वो डिस्कशन था कि ग्रू इतना जो है डेप्थ ऑफ़ द ग्रू वाज अ डिस्कशन है नहीं सर ये हम इस तरीके से करना चाहते हैं हमारी ये चीज़ें दैट इज़ हाउ मच इंटरेस्टेड दे आर इन मुझे लगता है मैं फिर से ये कहूँगा मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उन सब का दे आर एक्चुअली फेसिंग चैलेंज क्योंकि काम हो रहा होता है आपके सामने डस्ट होती है बाकी चीज़ें होती है बट उन्हें बड़ा अच्छे से हम हमारा साथ भी देते हैं जहाँ पे कोई उनको सजेशन दे नहीं होती तुरंत ही देते हैं hmm. तो बाकी हमारी तरफ से भी हम ये बिल्कुल कमिटमेंट है कि हम लोग कोई वी वोट लीव एनी स्टोन इन एंश्योरिंग दैट द स्पीड ऑफ द वर्क इज वेरी फास्ट एंड ऑल्सो दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी फास्ट पोलो व्यू इस समय रेडी है इस समय मार्केट में जाएंगे तो एक अलग ही वो एक लुक दे देता hmm. था एक टाइम ये था कि द पोलो व्यू मार्केट एसोसिएशन वॉज ऑन स्ट्रीट्स की hmm. यहां से इसको पेडिस्टनाइज ना किया जाए या ये किया जाए इस समय दे फील रियली प्राउड दैट दे आर पार्ट ऑफ इट इनफैक्ट इस समय वो अपने शॉप्स का भी जो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट उनको करना इन एज अ पार्ट ऑफ देयर रोल they are doing it. शुक्रिया बहुत तो so, हमने यहाँ पर सीईओ स्मार्ट सिटी अतर अमर खान साहब से बात की तो इन्होंने कहा कि दस दिनों के अंदर अंदर पोलो व्यू की जो मार्केट है वो रिनोवेशन हो, कम्प्लीट होगा उसका और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पंद्रह मई तक जो लाल चौक घंटा घर का पोर्शन है उसमें जो रिनोवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस जा, ख़ास तौर पर इन्होंने शॉपकीपर्स का बहुत शुक्रिया किया है कि उन्होंने इस इन स्मार्ट सिटी के ऑन प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया है श्रीनगर म्यूंसपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी के साथ इसलिए न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना